बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने जा रहे हैं कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर कितने तरह के होते हैं और किस जगह लगे हुए होते हैं, कैपेसिटर को कैसे पहचानें, कैपेसिटर का क्या वर्क है, पोलराइज्ड क्या होते हैं, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर क्या होते हैं, एसएमडी कैपेसिटर क्या होते हैं, नॉन एसएमडी कैपेसिटर क्या होते हैं और ये क्यों लगे होते हैं, अमूमन किस जगह लगे होते हैं, किस तरह इन्हें पहचानें, तो आइए इसी पर हम आज डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने जो दिख रहे हैं इस तरह के जो कैपेसिटर होते हैं ये कहलाते हैं पोलराइज्ड कैपेसिटर, यानी कि इनके अंदर माइनस और प्लस का निशान होता है। माइनस प्लस का निशान देख लीजिएगा, ये माइनस बना हुआ है और इसके अपोजिट जो साइड होती है वो प्लस हो जाती है। ये माइनस बना हुआ है, आप इसे देखें, ये माइनस बना हुआ है। ये अगर आप ये कैपेसिटर देखिएगा तो यहाँ पर भी आपको इस तरह से इंडिकेशन मिल जाएगा कि ये माइनस के लिए है, ठीक है। आप ये देखिएगा कैपेसिटर, ये भी पोलराइज्ड कैपेसिटर है, 63 वोल्ट का है और पोलराइज्ड कैपेसिटर है। तो इस तरह से हमारे ECM के अंदर ये कैपेसिटर कहाँ लगे होते हैं, इस तरह के ये अमूमन वहाँ लगे होते हैं जहाँ पर बैटरी की तरफ से ECM कनेक्टर को, ECM का जो कनेक्टर है, यहाँ पर जब सप्लाई आती है बैटरी की तरफ से, तो उस सप्लाई को सबसे पहले जो फिल्टर करते हैं तो वो ये कैपेसिटर, जो कैपेसिटर लगा हुआ है तकरीबन 35 वोल्ट है और ये 63 वोल्ट है, ठीक है। तो ये कैपेसिटर जो है, ये वाले, ये फिल्टर कर रहे हैं 12 वोल्ट सप्लाई को, और ये फिल्टर कर रहे हैं इसके अंदर कोई हाई सप्लाई होगी जैसे 40 वोल्ट, 48 वोल्ट, 45 वोल्ट, उस सप्लाई को फिल्टर करने के लिए इन्हें यूज़ में लाया जाता है। तो इस तरह से देखें, इस ECM के अंदर सिर्फ ये पोलराइज्ड और नॉन एसएमडी कैपेसिटर सिर्फ यही देखने को मिलते हैं। इसमें आप आएँ तो इसमें भी कुछ इस तरह से ये कैपेसिटर देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो कैपेसिटर हुए, ये वाले, ये जो ECM के अंदर 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है उस सप्लाई को ये फिल्टर करेंगे। ये जो बड़ा वाला कैपेसिटर है, इस वोल्ट के अंदर बनते हैं 48 वोल्ट, तो उस 48 वोल्ट सप्लाई को ये बड़ा वाला कैपेसिटर फिल्टर करेगा। तो ये कैपेसिटर कौन से कहलाए, पोलराइज्ड कैपेसिटर। पोलराइज्ड कैपेसिटर में एक तरफ माइनस होता है और एक तरफ प्लस रहता है। अब हम बात करते हैं पोलराइज्ड और नॉन एसएमडी कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर देख रहे हैं ये पोलराइज्ड कैपेसिटर हैं, बट इनको एसएमडी कैपेसिटर नहीं कहा जाता, ये नॉन एसएमडी कैपेसिटर होते हैं। पोलराइज्ड तो हैं बट नॉन एसएमडी हैं। अब एसएमडी कहाँ होते हैं, किस जगह लगे होते हैं? एसएमडी कैपेसिटर आप देखेंगे कि ECM के अंदर जहाँ पर भी पावर IC होती है, जैसे इस बोर्ड के अंदर ये पावर IC है, तो पावर IC के पास में आपको पोलराइज्ड SMD कैपेसिटर देखने को मिल जाएंगे। ECM के अंदर सप्लाइयाँ बनती हैं, 5 वोल्ट सप्लाई बनती है, 3.3 वोल्ट सप्लाई बनती है, तो इस तरह की सप्लाई को फिल्टर करने के लिए SMD कैपेसिटर, पोलराइज्ड SMD कैपेसिटर की ज़रूरत होती है। तो इसमें ये लगाया गया है, ये ब्लैक कलर का भी हो सकता है और येलो कलर का भी देखने को मिलता है। इसके एक साइड में देखिए निशान बना है ये वाइट कलर का, तो ये प्लस साइड कहलाता है। जब भी ये ख़राब हो जाए तो ये देखकर लगाया जाता है कि प्लस की तरफ प्लस ही रहना चाहिए। ये वाली जो साइड होगी वो ग्राउंड से कनेक्टेड होगी और ये वाली साइड जो है ये सप्लाई से कनेक्टेड होगी, 2.6 वोल्ट सप्लाई हो या 3.3 हो, जो भी हो उससे कनेक्टेड रहेगी। आप एक और देखिए कैपेसिटर, जैसे कि ये कैपेसिटर है, ये भी पोलराइज्ड कैपेसिटर है और SMD कैपेसिटर है, ये भी किसी सप्लाई को फिल्टर कर रहा है। इस तरह के कैपेसिटर किसी भी बोर्ड में तीन से ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। कौन से? SMD पोलराइज्ड कैपेसिटर तीन से ज़्यादा देखने को नहीं मिलते, 3-2 बस, इससे ज़्यादा देखने को नहीं मिलते SMD कैपेसिटर। अब जैसे आप ये देख लीजिएगा, ये बोर्ड आया तो ये येलो कलर का है, SMD कैपेसिटर है, पोलराइज्ड या पोलराइज्ड यानी जिसके माइनस और प्लस हो, और SMD जिसके लैग्स ना हो, जो डायरेक्ट PCB पे जोड़ा जाता हो, ठीक है। तो इसमें जो ये जो साइड है ये प्लस और ये माइनस कहलाती है
और ये एसएमडी कैपेसिटर है। यहाँ पर ये 5 वोल्ट सप्लाई को फिल्टर कर रहा है। ज़्यादातर आप देखेंगे ये पावर आईसी के पास में लगे रहते हैं। अगर हम इसके बैक साइड में देखें तो यहाँ पर ये पावर आईसी लगी है, ये कैपेसिटर यहाँ पर भी लगा हुआ है। अब जैसे ये बोर्ड लिया हमने, तो इस बोर्ड में देखिएगा ये कौन से कैपेसिटर हैं, ये भी पोलराइज्ड कैपेसिटर हैं और एसएमडी हैं। ये कौन से हैं, येल्लो कलर के हैं। दो इधर हो गए, इसके जस्ट बैक साइड में देखते हैं तो यहाँ पर लगी होती है पावर आईसी, और पावर आईसी के पास में एक कैपेसिटर ये भी है। तो ये पोलराइज्ड कैपेसिटर ये क्यों लगे हैं, ये क्यों लगे हैं, क्योंकि आईसी सप्लाई को बना रही है, आईसी सप्लाई को बना रही है और उस सप्लाई को फिल्टर करने के लिए ये कैपेसिटर लगाए गए हैं। ठीक है, तो कोई भी आईसी होती है तो अमूमन वो 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट 2.5 वोल्ट अराउंड, इसके अलावा 1.5 वोल्ट 22 वोल्ट ये सारी सप्लाइयाँ बनती हैं। लेकिन किसी भी ईसीएम में आप देखेंगे तो 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट सप्लाई के लिए एसएमडी पोलराइज्ड कैपेसिटर ज़रूर देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमने जाना कि एक बोर्ड के अंदर पोलराइज्ड नॉन एसएमडी मुश्किल से 5, बहुत हो गए 5 नहीं तो 3 ये देखने को मिलेंगे, और जो एसएमडी हैं ये बहुत बहुत 3। तो कुल मिला के देखा जाए तो पूरे बोर्ड में टोटल एसएमडी और नॉन एसएमडी, यानी कि पोलराइज्ड एसएमडी और नॉन एसएमडी दोनों बहुत देखने को मिले, 7 या 8 कैपेसिटर देखने को मिलते हैं। जो छोटे वाले होते हैं एसएमडी ये पावर आईसी के पास में होते हैं, ये वाले जो होते हैं वो 48 वोल्ट सप्लाई और 12 वोल्ट सप्लाई जो बैटरी की तरफ से ईसीएम के अंदर आती है उसको फिल्टर करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए, चार्ज करने के लिए लगे होते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इसकी प्लेसेस कहाँ होते हैं और कैपेसिटर ये कहाँ कहाँ लगे होते हैं, पावर आईसी के पास में इस तरह के, और ये 48 वोल्ट और 12 वोल्ट को फिल्टर करने के लिए। हमें उम्मीद है ये छोटा सा टॉपिक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। जो भाई इस तरह के टॉपिक्स की बहुत डीपली जानकारी चाहते हैं तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ईसीएम एक्सपर्ट न्यू बैच बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है और एडमिशन सिर्फ उन्हीं भाइयों के होंगे जो पहले से वर्कशॉप की लाइन में हैं, जिनको सेंसर वगैरह की सब कुछ जानकारी है, हल्का फुल्का स्कैनर चलाना आता है, उन्हीं के एडमिशन लेंगे, फ्रेशर बंदे के एडमिशन हम नहीं लेंगे। क्लासेस ऑनलाइन होगी, लाइव क्लासेस रहती है, कोई प्रॉब्लम आती है फ़ौरन आप मालूम कर सकते हैं। 2 घंटे की क्लासेस होती है, फ़ीस हमारी बहुत 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 रीज़नेबल फ़ीस है, ओनली 4 डिजिट के अंदर है। आप चाहते हैं ज्वाइन करना तो आप हमसे जो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी सीट को बुक करा सकते हैं, और बहुत जल्द क्लास न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखा, जल्द किसी दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू।